उत्तर प्रदेश के हसनपुर की मंडी समिति में भाकियों ने मासिक बैठक का आयोजन किया। भाकियों की बैठक में पहुंचे चकबंदी अधिकारियों को भाकियों कार्यकर्ताओं ने बंधक बनाकर अपने बीच में बैठा लिया और वार्ता शुरू की। इस तरीके से मतलब गलत किया है, मेरा इस तरीके से गलत किया है इन्होंने, मेरी जो है कोने लगा दिया और कोने में और उसमें से मेरी मूल जोत में से और रास्ता दे दिया और दूसरे को दे दिया और मेरी 2 बीघे मैंने मोल की ली ही, 8 बीघे तो वहाँ छोड़ दी, 7 बीघे, 7 बीघे पहुँचा दी मेरा, मैंने और मोल ली ही उसमें मेरे पानी की तो ले ली आप ने वहाँ, मैंने मेरी गैर में साथ भी धोखा करा और मेरी पहुँचा दी पानी के साथ। तो ये बताइए कि आप जो यहाँ आई थी, आपको सुनने में आया कि आपने आत्मदाह करने की धमकी दी है, आप या खाली अफवाह है, आप तेल लेकर आई थी? किस लिए आई थी? तेल लेकर आई कि मेरी जमीन मिलेगी तो नहीं, मैं आत्मा हिता ही आप तेल लेकर आई थी? सही तरह से चकबंदी नहीं करी, किसी का चक कम कर दिया, किसी का ज़्यादा कर दिया और पैसे वैसे का आरोप थे कि पैसे लेकर हमारा चक बढ़ा दिया, किसी का घटा दिया, उसी को लेकर आज हमारा चकबंदी वालों से मैं धरना था चकबंदी ऑफिस में, सी ऑफिस, लेकिन वो आज जो है यहाँ बैठ कर वार्ता हो रही है, वार्ता इसलिए हो रही है कि भाई जो भी कमियाँ हमारी हैं उनको हम सुधारेंगे। चकबंदी वालों को ये कहना है कि हम जिसके चक में गड़बड़ है उसका आज ही दुरुस्त कर देंगे या जिस तरह से भी होगा उस तरह से उस चक को ठीक कर दिया जाएगा। जहाँ कोई कमी नहीं है चकबंदी में, गलत आरोप लगा रहे हैं, उनका चक वैसे का वैसे, इसके लिए ये वार्ता चकबंदी वालों से किसानों के बीच में बैठ कर। अभी तक जो चकबंदी प्रक्रिया में आपके बीच में बैठे किसानों ने आरोप लगाया कि यहाँ पैसे लिए गए, 60,000 रुपये तक आरोप लगाया है, तो क्या इनके पैसे वापसी कराए जाएंगे? नहीं नहीं, मांगे गए, उसका कहना है कि तुम्हारा चक पूरा कर देंगे, 60,000 रुपये दे दो, मांगे गए हैं। इसके बारे में भी DM साहब से मिलकर उन्हें अवगत कराया जाएगा और जो दोषी कर्मचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी अवश्य। अभी तक जो यहाँ समस्या ये लोग गिनाए हैं वो कुछ नाप की समस्याएं हैं, कुछ चक की है, चक की जो समस्या है वो तो हम लोग दूर कर देंगे और नाप वाला भी मौके पे अब CO को भेज के नाप करवा देंगे। अच्छा, आए दिन अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं चकबंदी विभाग द्वारा पैसे लेने के, तो इसमें क्यों समाधान नहीं होता? नहीं, पैसे वैसे का तो कोई ऐसे कहने को तो लोग कहते रहते हैं लेकिन कोई ऐसा आधार तो बताते नहीं, कोई अपने काम के प्रेशर में, कोई प्रेशर बनाने में भी लोग कुछ इस तरह के निराधार बातें करते हैं, सही में अगर कुछ होगा तो जांच की जाएगी उसकी। अच्छा, विभाग द्वारा गांव में दुलार लगा रखे हैं छोटे छोटे तबके के, जो लेखपाल और वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता का मामला निपटाते हैं, तो क्यों ये दूर नहीं किया जा रहा? दलालों की दूरी क्यों नहीं बनाई जा रही है विभाग में? नहीं, विभाग में तो कोई हमारी जानकारी में नहीं, विभागीय लोगों ने जो गांवों में दलाल बना रखे हैं उनका क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा बता दे, कोई दलाल की बात तो हमारे नॉलेज में नहीं, न मैं जानता हूँ किसी को। ठीक, आगे चलना और चकबंदी कार्य चलने पर जो वहाँ पर कमज़ोर किस्म का किसान था, वहाँ के कुछ दुमंग लोगों ने और चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों ने मिलकर के जो इनकी मूल जमीन थी दूसरी जगह पहुँचा दी, जहाँ के कम बहुत कमज़ोर जमीन थी और वहाँ पर कुछ पैदा होने वाली नहीं है, और जिसका 5 बीघे चक था उसका 2 बीघे वहाँ पहुँचा दिया दूसरी जगह पर, वहाँ पर 2 बीघे पर किस तरह से आज आदमी टिवैली बोरिंग करेगा, उसी को लेकर के कुछ किसान बता रहे हैं कि 60,000 और 80,000 रुपये लेकर लेखपाल और कानून को अपने चेक बनवाएं, जो वो सारे गलत है। उन किसानों के पास पैसा नहीं था जो 60,000 या 50,000 या 80,000 देते, जो उनका चेक वहीं रह जाता, तो ये जो पैसे वाले लोग थे, बात वाले लोग थे, उन्होंने पैसे दे करके अपने पास से उनके चेक हटवाए थे, आज वो परेशान है। परेशान स्थिति में कई दफ़े यहाँ पर आए, काफ़ी दफ़े इनसे बात हुई, लेकिन उन्होंने कोई कहानी कोई बेचारे गरीब लोगों की सुनकर दिया। ये लोग हमारे बीच में आए, आने के बाद में हमने इन गांव पंचायत भी करी, हमने समझाया भाई बात सुनो, मतलब को पिटो और जैसे तुम्हारा आपस में समझौता वैसे करके बैठ जाओ, लेकिन नहीं माने। तब हमने 9 तारीख को आज का ज्ञापन दे दिया था, 13 तारीख का, और यहाँ पर कई महिला भी हैं जो आत्मदाह करने के लिए तैयार आई बैठी हुई, मिट्टी तेल भी लाई सारी कुछ है, लेकिन उसके बाद में सारे चकबंद वाले कल से लेकर नमस्तक हो रहे हैं, परसों से लेकर कल से लेकर सारे बुला रहे हैं, इनसे वार्ता चल रही है और जैसा भी वार्ता में समस्या का समाधान होगा ठीक है, जो आश्वासन दे रहे हैं अगर उस पर खड़े उतरते हैं अपनी जगह ठीक है, ना होता फिर किस दिन फिर आता लड़का। अच्छा, किन किन लोगों को आपने बंधक बना रखा? इसमें हमारे जो एक चकबंदी बाग के सबसे बड़े बंदोबस्त अधिकारी होते हैं, SOC होते हैं, वो हैं, एक CO साहब हैं और एक लेखपाल हैं, एक कानून को है, सारा इसका चकबंदी का हिसाब जो हमने बंधक बना रखे हैं, समस्या का समाधान ही व्यक्त कर रहे हैं। पैसे देते हैं तो ये उनका चक लगा देते हैं, अगर पैसे नहीं देते हैं तो उनका चक इधर से उधर कर देते हैं, इसलिए आज एक महिला ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके जान देने की पूरी ठान रखी है और वो लोग किसान यूनियन के बीच में आई हैं, आज अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो अपने
ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा सकती है। मोहम्मद जान अंसारी, हसनपुर, CNN।